शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख शांति आनंद स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि प्रॉपर एक्सरसाइज कैसे करें। एक्सरसाइज तो हम करते आए हैं, लेकिन प्रॉपर कैसे करें, तो वन बाय वन देखेंगे कैसे नहीं करना है। तो इसमें हम आज देख रहे हैं कि कौन सा टाइम होना चाहिए एक्सरसाइज का। तो टाइम में अगर देखा जाए कि सूरज उगने के बाद फिर हमको एक्सरसाइज करनी है, उसके पहले नहीं। उसके पहले हम करेंगे तो वातावरण में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो वनस्पति है दिन में क्या छोड़ते, ऑक्सीजन। जो जब सूर्योदय होता है तभी वनस्पति ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं, लेकिन सूर्योदय के पहले क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सूरज उगने के पहले वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम या कुछ भी नहीं करना है। सूर्योदय के बाद ही एक्सरसाइज करना, जो भी करना है। और साथ साथ में जैसे सूरज के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी धूप में बोलो ऐसे, तो हमको क्या मिलता है, विटामिन डी। क्या मिलता है, विटामिन डी। और ये विटामिन डी हमारे हार्ट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। जिनके विटामिन डी की लेवल कम हो जाती है उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते, इसलिए विटामिन डी को भी मेंटेन रखना है। और विटामिन डी का सोर्स केवल और केवल सूर्य प्रकाश, दूसरा कुछ भी नहीं। और जब भी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो पहला संकल्प हमें क्या करना है, तो मैं कौन हूं, आत्मा हूं और ये गाड़ी को चला रही हूं, ये फोर व्हीलर गाड़ी मेरी, इसको मैं चला रही हूं। जैसे हम पहले सोल कॉन्शियस हो जाना कि मैं आत्मा हूं और इस गाड़ी को चला रही हूं, इस गाड़ी को तंदुरुस्त कर रही हूं। हार्ट के पेशेंट को जिम करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि एक रूम में हम जिम करते हैं, 10 12 15 20 लोग रहते हैं। जिम में सर्कुलेशन, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होता, एसी लगा कर रखते हैं, तो ये जिम करना हमारे लिए एडवाइजेबल नहीं है। और जब भी वॉक करना है तो स्नान करके करना है और पेट साफ करके फिर करना है। पेट साफ करके नहीं किया तो पेट में जमा है तो पूरे शरीर में निगेटिव वाइब्रेशन फैलते हैं। तो पेट साफ करके और दूसरा स्नान करके। स्नान करने से हमारी स्किन के जो पोर्स हैं, स्किन के जो होल्स हैं, वो खुल जाते हैं, तो ऑक्सीजन हम ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। वातावरण में जाते केवल नाक से नहीं, तो पूरे स्किन से हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं, विटामिन डी को ले सकते हैं। इसलिए स्नान करके और लैट्रिन वगैरह को जाकर पेट साफ करके फिर वॉकिंग को जाना है। और भी हमारा ब्रीदिंग चेक करना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए। सांस लेने के बाद पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ने के बाद पेट अंदर जाना चाहिए, इसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दूसरी बात कि जब भी हम वॉक करते हैं तो लंबी लंबी और गहरी गहरी सांस लेना है। लंबी और गहरी सांस क्यों लेना है, हम सांस लेते जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में यानी फुफ्फुस में जाता है, और फुफ्फुस में जो ब्लड है, खून है, उसको शुद्ध करता है। क्या करता है, शुद्ध करता है। यानी सांस लेने का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना। ऑक्सीजन का काम क्या है, हमारे लंग्स में, फुफ्फुस में जो खून है उसका शुद्धिकरण करना, उसका शुद्धिकरण करना। ये ब्लड तो नीचे है, हवा तो ऊपर है, तो सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे तो नीचे जाएगा, नीचे जाएंगे तो नीचे के ब्लड को मिलेगा ऑक्सीजन,
और ये ब्लड को शुद्ध करेगा और ये शुद्ध करके फिर हार्ट को मिलेगा, हार्ट से फिर पूरे बॉडी को मिलेगा। जब भी हम वॉक करते गप्पे लड़ाने की नहीं, और जब भी हम वॉक करेंगे तो ये हाथ की मुट्ठी क्या होना चाहिए, ऐसी बंद। क्यों बंद होना चाहिए? जैसे लेफ्ट राइट करते जवान चलते हैं ना, ऐसे हमको चलना है लेफ्ट राइट करके, मुट्ठी को बंद कर। और जब भी चलेंगे ना, पैर हमारे ये जो पंजा है ना, पंजा के ऊपर नहीं चलना है, पीछे का भाग होता है ना एडी के ऊपर, टांच के ऊपर चलना है। तो कभी भी आप प्रयोग करके देखो, जैसे हम टांच के ऊपर चलते हैं ना तो फिर प्रॉपर चलते हैं, और जब पंजे के ऊपर चलते हैं ना तो डगमग होते, कभी गिर भी सकते हैं। और जैसे जैसे हम चलते हैं, सूरज तो होता है सामने, तो सूरज की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। चलते हैं तो सूरज की किरणें तो आने वाली है, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आने वाली है। तो सूरज की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है और मुझ आत्मा को प्रज्वलित करते, मुझ आत्मा को ताकतवान करते, ये सूरज की किरणें मुझ आत्मा में जो किरण पैदा करेंगी वो मेरे हार्ट को मिल रही है, और मेरे हार्ट के तीनों ही कोरोनरी आर्टरीज एकदम क्लीन और क्लियर हो गई। क्या हो गई है? क्लीन और क्लियर, कोई ब्लॉकेज नहीं रहा। जैसे होता है ना मक्खन, होता है ना मक्खन, मक्खन को थोड़ी जो अगर उष्णता मिल गई क्या होता है, मक्खन पिघल जाता है। ऐसी सूरज की किरणें मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा की किरणें मेरे हार्ट के तीनों कोरोनरी आर्टरीज पर बरस रही है, और तीनों आर्टरीज में जो एलडीएल हमारा बैठा है पीले रंग का, तो जैसी ये गर्माहट उसको भी मिलती है तो पिघल रहा है, और पिघल से मेरे निकल जा रहा है, और मेरे तीनों ही आर्टरीज क्या होगी, क्लीन और क्लियर। क्या हो गई? क्लीन और क्लियर। फिर मेरा ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल हो गया, ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल हो गया, हार्ट एकदम हेल्दी हो गया। चलो मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में, अत्यंत सुंदर सा प्यारा सा जगमग करता दिव्य सितारा। आज मुझे ज्ञान मिला है कि प्रॉपर एक्सरसाइज कैसे करने हैं। सूर्योदय के बाद ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में अधिक होती है। सूर्योदय से हमें धूप का लाभ मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। स्नान करने से हमारी स्किन के सारे पोर्स, स्किन के होल्स, पोर्स ओपन हो जाते हैं और हम ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। पेट साफ होने के बाद वॉक करना, एक्सरसाइज करना इजी हो जाता है। जब भी वॉक करते हैं गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेना है कि ऑक्सीजन लंग्स के लोअर पार्ट तक, ब्लड तक, खून तक पहुंचे और हमारा ब्लड खून शुद्ध हो जाए। लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए मैं वॉक कर रही हूँ। सबसे पहले मैं संकल्प करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर, ये मेरे शरीर रूपी फोर व्हीलर को चला रही हूँ। सोल कॉन्शियस के स्टेज पर, सोल कॉन्शियस होकर
मैं वॉक कर रही हूँ। सूरज की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर पर, मेरे हृदय पर, हृदय की सारी धमनियों के से ये सूरज की किरणें पास हो रही है और सारा कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है, मेरे सारे ब्लॉकेज खुल गए हैं, मेरा हार्ट हेल्दी हो गया है, मेरा संपूर्ण शरीर हेल्दी और निरोगी है, मेरा मन प्रसन्नता से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है, प्यार से भरपूर है। देते चलो प्यारे, देते चलो। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुचाते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से ईश्वर की, ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं,
सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के सवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले, 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 प्यार प्रभु का। ओम शांति।